हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5, इट इज़ योर चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग टेबल्स इन एमएस वर्ड 2016। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमें क्रिएट करनी है टेबल्स। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एमएस एक कंपनी का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। वर्ड उसका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड्स रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि टेबल्स बनाना, लेटर लिखना, एप्लीकेशन बनाना, लिस्ट बनाना, मेल मर्ज करना, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, और ये 2016 मीन्स इस साल में ये बना था, लेटेस्ट वर्जन। ये जो आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज वन टेबल। ओके, और ऐसे ऐसे हम देखते हैं वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल क्या है? कॉलम्स। दिस इज वर्टिकल कॉलम्स, एंड लाइक दिस, दिस इज हॉरिजेंटल, दिस इज रो। हॉरिजेंटल, दिस इज रो। नाउ इन दिस लिस्ट, प्राइज लिस्ट, यू कैन सी आइटम नंबर 1 इज LED टीवी, 32 इंचेस है, दिस इज 43 इंचेस एंड 55 इंचेस, ये इन सब के रेट्स हैं। ओके, AC 110, 1 टन, 1.5 टन एंड 3 टन। ओके, इन सब ACs के ये सब रेट्स दिए हुए हैं। वॉशिंग मशीन 6 kg, 7 kg एंड 7.5 kg, इनकी कैपेसिटी है ये। ओके, ये सब इसके रेट्स हैं। अब इस टेबल को या लिस्ट को देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे कि विच इज द चीपेस्ट आइटम, सबसे ज़्यादा सस्ता आइटम कौन सा है, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, विच इज द कॉस्टलीस्ट आइटम, सबसे कॉस्टली आइटम कौन सा है, ये भी हम इस टेबल में देख सकते हैं इजीली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 55 इंचेस LED टीवी एंड 32 इंचेस LED टीवी, इसमें क्या डिफरेंस है, वी कैन इजीली फाइंड आउट। What is the total price of AC and washing machine? We can easily find out. We can see and analyze what is the difference. When the data is arranged in a table, it becomes easier to read and process information in it. जब data इस तरह से organize होता है table में, ढंग से लिखा होता है, ढंग से अरेंज्ड होता है, तो बहुत आसान हो जाता है उसको पढ़ना और उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस मीन्स कैलकुलेट करना, चेक करना या एनालाइज करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए गुड है या बैड है, यूजफुल है या नॉट यूजफुल है। इज इट क्लियर?